हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपने देखा होगा कि जैसे BTC पंप हुआ, उसी के साथ साथ क्या कि लूना के सारे कॉइन्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे। चाहे हम बात करें USDC की, चाहे हम बात करें LUNC की, और इवन लूना जो नया लूना है वो भी। USDC का मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियोस में भी बताया था कि USDC जितने ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं आपने शायद ऑलरेडी बाय कर लिए होंगे, और इसी के साथ साथ LUNC जो है वो भी अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देने वाला है। ऑलरेडी LUNC अपने जीरोस को कम करता हुआ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट आया है LUNC एंड USDC दोनों को लेकर। तो अगर आपने भी लूना क्लासिक होल्ड किए या फिर USDT क्लासिक होल्ड किए, जो कि दोनों ही टेरा लैब्स के हैं, तो आपको बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है, यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ऑलरेडी मार्केट एक करेक्शन ले रही है, इस करेक्शन में अगर आपको बाय करने का मौका मिलता है तो आप बिल्कुल बाय भी करिए, क्योंकि जो अपडेट आपको अभी मिलने वाली है इसके बेसिस पर हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। एंड हाँ, अगर आपको न्यूज एंड अपडेट साथ के साथ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हैं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। इवन अपडेट्स के साथ साथ अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे वॉल्फ ट्रेड डिस्कस ग्रुप के ऊपर, जहां आप किसी भी कॉइन के बारे में हमारे ट्रेडर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं BTC के ऊपर ही। आप देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो क्रिप्टोकरेंसीज का चल रहा है वो 73 के आसपास चल रहा है, यानी कि थोड़ा सा नीचे हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे आ गया। इवन मार्केट कैप की बात करें तो 1.55 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रहे हैं, ये भी 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है। इवन BTC जो 44,000 डॉलर के आसपास था अभी 41,500 डॉलर के आसपास चल रहे हैं, यानी कि आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि मार्केट में बहुत बड़ा डंप आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है, और इस करेक्शन में आपको बहुत से ऑल्टकॉइंस बाय करने का मौका मिलने वाला है। और वही ऑल्टकॉइंस आपको सडनली एकदम से अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूना के बारे में। तो लूना ऑलरेडी $1 के आसपास चलता रहता है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है वो है लूना क्लासिक से और USDC से। इसका मेन रीजन ये है कि इनमें प्रॉफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनमें कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, इसके जो होल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। होल्डर्स के साथ साथ अगर हम फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी देखते हैं तो LUNC का मार्केट कैप $1.1 बिलियन का है, USDC की बात करें तो $387 मिलियन का है। तो इनमें प्रॉफिट कब आने वाला है? जब भी जितने भी सर्कुलेशन चल रही है इस सप्लाई की, दोनों के कॉइन्स की, तो वो सप्लाई को जब भी कम किया जाएगा या फिर मार्केट एक्टिविटी जब जब बढ़ेगी तो हमेशा यही कॉइन्स हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे बड़ी चीज से जो एक मेजर रीजन बनने वाला है जो कि हमें USDC में डायरेक्टली प्रॉफिट देने वाला है। तो USDC आपको दोबारा से बता देता हूँ, USDC क्या था कि USDT एक स्टेबल कॉइन था जो कि टेरा का खुद का था USDT के नाम से, लेकिन कोलैप्स होने की वजह से इसका नाम फिर USDC रख दिया गया, क्योंकि ये कोलैप्स हो गया था इसकी वजह से डीप पैक हो चुका तो $1 वैल्यू तो नहीं पहुंचने वाले, लेकिन बीच बीच में लगभग 10 सेंट तक भी आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये हमें सडन प्रॉफिट्स देने वाला है। और उसका मेजर रीजन क्या है कि 800 मिलियन USDC को बर्न किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि इसकी लगभग 9 बिलियन की USDC की सप्लाई है, और 9 बिलियन में से यहाँ पे अगर 800 मिलियन बर्न कर दिए जाते हैं तो यहाँ 9 की जगह 8 बिलियन ही USDC रह जाएंगे। और अगर आप नहीं जानते तो हमेशा पहले बाइनेंस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया बर्न्स करने में, तो बाइनेंस के ऊपर हमेशा LUNC एंड USDC को बर्न किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो वैलिडेटर्स हैं तो उनके द्वारा भी बर्निंग करी जाती है। तो हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ गवर्नेंस वोटिंग करी जाती है, वोटिंग के द्वारा यहाँ पे एक फाइनलाइज डिसीजन लिया जाता है कि बर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिमिलरली अभी एक नया प्रपोजल आया 11913, जिसमें RH मल्टीसिग वॉलेट में 800 मिलियन जो कॉइंट्स हैं उनको बर्न करने की बात करी जा रही है, और इस प्रपोजल की डेडलाइन है December 19। तो हमेशा जब भी प्रपोजल आता है USDC का हो चाहे वो लूना क्लासिक का हो, ये प्रपोजल बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाते हैं या फिर इनका रिजल्ट सामने आ जाता है, क्योंकि जो टेरा की कम्युनिटी है, टेरा क्लासिक की कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, एक्टिव होने की वजह से डिसीजंस बहुत जल्दी आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं और उसके बाद फाइनली बर्न पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी बर्न किया जाता है तो यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी एक नया प्रपोजल भी आता है बर्न करने का, तो जो फंड्स किया वो रिकवरी नहीं होती। एक बार उनको ऐसे वॉलेट में डाला गया कि वो बर्न हो जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी रिकवरी कभी भी पॉसिबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, चाहे वो बर्निंग का हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन लेने का हो, चाहे कॉइन को पंप करने का हो, या फिर कोई नई अपडेट या फिर वेबसाइट बनाने का हो, तो वो वैलिडेटर्स का ही रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वैलिडेटर्स हैं, जैसे कि लूना क्लासिक लैब्स है, और 6 बड़े वैलिडेटर्स में स्टेकबिन भी आता है, LUNC गोब्लिन्स भी आता है। तो इनका जो डिसीजन है वो अभी तक फेवर में ही जा रहा है कि बर्न किया जाएगा। तो USDC की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे तो गई है, लेकिन ऐसा है कि अभी ये 1-2% अबव भी आई है।
लेकिन ये इम्पैक्ट दिख रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट वैसे ही एक करेक्शन ले रही है। तो हम बहुत बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसडीसी से एंड इवन एलयूएनसी से। यहाँ पे इसी के साथ साथ एक और बड़ी अपडेट, जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो कि लूना क्लासिक और लूना जो नया है उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है, वो ये है कि 300% TVL का ग्रोथ हुआ है एक महीने के अंदर, यानी कि पिछले महीने के अंदर। तो लूना 298% बढ़ा है, लूना जो क्लासिक है एलयूएनसी वो 187% बढ़ा है। तो टॉप 10 नॉन ईवीएम ब्लॉकचेन्स में से एक टेरा आता है और उसके बाद टेरा क्लासिक आता है। तो यहाँ टोटल पिछले 30 दिन का देखें तो टीवीएल का ग्रोथ इनका सबसे ज्यादा रहा है, जो कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि टेरा का ही रहा है। तो जो बड़े बड़े वैलिडेटर्स हैं, जैसे कि एक है क्रिप्टिक के नाम से, एक है लूना क्लासिक लैब्स के नाम से, तो इन दोनों का अभी बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है इस चीज़ में। यानी कि कम्युनिटी को यही समझा रहे हैं कि गवर्नेंस के मुताबिक वो इसको बर्न करने में अगर फेवर में जाएंगे तो फॉर श्योर बर्न होने वाला है। एंड उससे बड़ी चीज़ जो है, अगर बाइनेंस बर्न के लिए राजी हो जाता है, बाइनेंस यूएसडीसी को बर्न करने के लिए राजी हो जाता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक डिसीजन होने वाला है, जिससे यूएसडीसी एंड एलयूएनसी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है सडनली। अब एक और बड़ी अपडेट जो है वो है इन दोनों की, कि इन दोनों कॉइन्स को यूज़ किया जाएगा पेमेंट्स करने के लिए वर्डप्रेस के ऊपर। तो अगर आप नहीं जानते तो वर्ल्ड के सबसे बड़े वेबसाइट सिस्टम में से एक वर्डप्रेस है, जिसके ऊपर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे पेमेंट्स के लिए एलयूएनसी एंड यूएसडीसी को कंसीडर किया जाएगा, जिससे क्या कि टेरा क्लासिक के ब्लॉकचेन को इसको भी यूज़ किया जाएगा एंड प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस हैं कि क्यों मैं टेरा की एंड टेरा क्लासिक की बार बार वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि इनमें हमें अभी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाले हैं। एंड एक बात और है कि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जब भी मार्केट रिकवर होती है तो चाहे कितना भी कोई कॉइन डेड क्यों नहीं है, वो हमें प्रॉफिट देता ही देता है। चाहे हम यहाँ पे बात करें FTT की, तो FTT ने भी हमें 2 गुना तक का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, जो कि FTX एक्सचेंज का है। और ये चीज़ें मैं आपको पिछली हमारी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने एक डाला था जिसमें हमने बात करी थी BTT कॉइन की भी, क्योंकि BTT कॉइन ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। इसी के साथ साथ टॉप 5 एक्सचेंज कॉइन्स की बात करी, जिसमें हमने WRX FTT की बात करी, यानी कि उसने भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। इवन शिबा इनू की आपने देखा कि यहाँ पे जीरोस कम होना शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से जो भी कॉइन्स एक समय पे बिल्कुल डेड थे, वो अभी हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो BTC को लेकर मेरी एक और प्रेडिक्शन थी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डाली थी, आप यहाँ के देख सकते हैं, जिसमें US का CPI डाटा आउट होने के साथ साथ क्या रिएक्शन रहा BTC का, और आने वाले समय में BTC कहाँ पहुँच सकता है, ये भी आप जाके वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। करंटली अगर हम बात करें अभी BTC क्यों डंप हो रहा है या फिर मार्केट और भी ज़्यादा नीचे क्यों जा रही है, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो कैथी वुड है आर की, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेक सेल ऑफ किया कॉइन बेस का, क्योंकि उनको लगा कि शायद मार्केट्स नीचे गिर रही हैं, तो उनको ये जो स्टेक है वो सेल कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सेफर साइड में रहे। हालांकि इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने स्टॉक्स को सेल ऑफ किया, ना कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को सेल ऑफ किया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैंने लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है एंड आपको लूना में किस तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ भी सबसे पहले पहुँचें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।